दर्शकों नमस्कार, मैं निशांत नंजर, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज, नई सोच नई खोज। हमारे बेटे की हत्या कर उसे पेट पर लटकाया गया, माता पिता का आरोप। हमारे बेटे की हत्या कर उसे पेट पर लटकाए जाने का आरोप मृतक युवक के माता पिता ने किया है। भंडारा जिले के परांदुर चौरास पुलिस थाने के तहत 4 जून को लोहारा में मोहित राजेंद्र कोरे इस 20 साल के युवक का शव खेत के एक पेट पर गले में फांसी का फंदा डालकर लटका हुआ मिला। फिलहाल परांदुर पुलिस थाने में मामला दर्ज है। आखिर क्यों मृतक मोहित के परिवार के लोग कहते हैं मोहित की आत्महत्या नहीं हत्या है, देखिए आकाश न्यूज की खास खबर। आपके बेटे के साथ में जो घटना घटी है, वो घटना के बारे में मुझे विस्तार बताएं। माझे नाव पुष्पा राजेंद्र कोरी आहे आणि माझ्या मुलाचे नाव मोहित राजेंद्र कोरी आहे। माझा मुलगा हैदराबादला मेट्रो कंपनीमध्ये काम करत होता आणि तो तिथून आला। लॉकडाऊन असल्यामुळे बसस्टॉपवर माझ्या चुलत भावाच्या घरी 14 दिवस क्वारंटाईनमध्ये होता आणि घरी आले तर 4-5 दिवस झाले होते आणि तो व्यवस्थितच राहत होता घरी, काय म्हणजे त्रास वगैरे काही नाही, आम्ही व्यवस्थितच राहत होतो। अचानक एक दिवस मग त्याला चांगल्या पद्धतीनं तो घरून त्याला बोलावण्यात आले बाहेर आणि सुभाष कुंडे याच्यावर माझा पूर्णपणे आरोप आहे की यांनी माझ्या मुलाला मारहाण करून फासावर लावला आणि हा यानं आत्महत्या केली आहे, गळफास लावला आहे असं त्यांनी म्हणाले। ते पण ते तसं काही नाही, माझ्या मुलाला मारून त्यांनी गळफास लावला माझा त्यांच्या आरोप आहे। कारण तो आधी म्हणत होता याच्या आधी कमी पैसे किती लागतील पण मी तुझ्या मुलाचा मर्डर करीन असं आधीच म्हणत होता। मर्डर करने के पहले धमकी दी थी? हो, धमकी दी थी। मुझे ऐसा पता चला कि आपके बेटे के साथ में उनकी लड़की का कुछ मतलब प्रेम संबंध चल रहा था। हो, तीचा आने त्याचा दोगाचा ही प्रेम संबंध चालू होता। ये तो वजह नहीं हो सकती मतलब आत्महत्या करने की? आत्महत्या केलेनच नाही, माझ्या मुलाला मारला, त्याला मारूनच गळफास लावण्यात आला। माझ्या मुलाला खूप मार 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 पण आहे शरीराला। माझं नाव राजेंद्र जगन्नाथजी कोरे। ज्या दिवशी मी पाहिलं बघितलं त्या मुलाला, त्या दिवशी इतका मारहाण केलेला आहे, इतका मारहाण केलेला आहे का ते मारामुळे मारून त्याला लटकवलेला आहे असा त्याच्या घरच्यावर पूर्णपणे माझा आरोप आहे। बेदम याने त्या पाठीवरती जांगेमध्ये खूपच नाही टाका, त्या टाकामध्ये खूपच मार आहे, टाका तुटल्या नाही। आपने बॉडी को देखे, जब लटकी हुई बॉडी को देखे तो क्या देखे आपने उस समय? याने वो छोटा वाला ना ये बस याने पैंट था ना उससे याने मर रही ना सकता। जमीन पर पैर टिके हुए थे, बाजे हुए थे, याने क्या 10-11 फुट का अंतर था कि 6 फुट का लड़का था। नहीं, 10-12 फुट का अंतर कैसे? याने वो खांदी के अंतर पैर तो जमीन को लगे लगे थे हुए थे ना। अच्छा, कई भागे हुए थे मोड़ मतलब आए थे पैर। हाँ, ऐसे 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 थे, ऐसे कोकड़े। अच्छा, जमीन पर घुस मारे पे पाइप भी नहीं थे ऐसे। अच्छा, क्या लगता है आपको इसमें आत्महत्या की हत्या? हत्या ही वो मार के लटका है, मार के लटका है। क्यों वजह लगता है? पहले बोला ही था पैसे लगाऊंगा लेकिन लड़के को लाऊंगा। अच्छा, बोला था पहले। ये कब की घटना है? यानी वो हैदराबाद जाने के पहले थी। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया था उस पर? इसलिए तो उसको लड़के को उसके उधर भेजा ही मैंने। अच्छा, अपने काम करो। हाँ। उसका नाम छोड़ दो। कितना पढ़ा था आपका लड़का? बीएससी फेल है, सेकंड में था, फाइनल नहीं किया तो गया उधर। अच्छा, मेरे भाई को मार के मतलब उसको उसकी मर्डर करके उसके उसको झाड़ पे ऐसे टांग दिया है और उसको फांसी लगाया है, मतलब उसने गर्भपात किया है ऐसा उन्होंने प्रूफ किया है। लेकिन मेरे भाई की मर्डर करके उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा मुझे उसके उस लड़की के फैमिली पे उसके मम्मी पापा के फुल डाउट है कि उन्होंने मेरे भाई की ऐसे मर्डर की है। मेरा नाम लुटे चोपड़ा कुंडे, तो मेरा भांजा लगता था, उसके साथ मेरे संबंध अच्छे थे और बॉडी को देख के ऐसा लगा था मेरे को, और मेरे पास तस्वीरें भी उस बॉडी के पूरे उसको जिस पद से मारा गया है, गड़े गलफास उसने लटकाया उसको पहले उसको, और उसने आत्महत्या नहीं की, उसकी मर्डर हुई है और मर्डर करके उन्होंने पेड़ पे लटकाया उसको, तो उसकी मर्डर हुई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके लोग काफ़ी लोगों की तरफ से उनको नहीं मिलने। पुलिस की क्या मतलब अभी जांच चल रही है? पुलिस अभी आई थी, जांच तो कर रहे हैं, अब उन्होंने बोला है कि पीएम रिपोर्ट आने तक हम कुछ कर नहीं सकते, पीएम रिपोर्ट आने के बाद हम एक्शन में आएंगे। अच्छा, अभी तो अभी आपकी क्या मांग रही है?
हमारी यही मांग है कि जिन्होंने ये किया है उनको आप शिक्षा दो, जो भी होती है उनको हमारे को न्याय दो। फांसी लगाकर लटके हुए थे उस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं और जानने की कोशिश करते कि वाकई में ये जो डहली दिख रही है अंजन का पेड़ वो इसको कहते हैं, इसकी जो डहली है ये डहली पहले ही लपक देती है और यहाँ पर फांसी लटकने के बाद में मोहित का पूरे दोनों पैर जमीन को टच, मतलब जमीन को टच किए हुए थे, चिपके हुए थे, मतलब वहाँ पर फांसी लगने के बाद में उसके दोनों पैर घुटने तक के पैर पर, मतलब जमीन पर टिके हुए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या वाकई में ये खुद ने फांसी लगाया है या उसको फांसी लगाकर ये पेट के डहली पर लटकाया गया है। लाखनी तहसील के बालांदूर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले लोहारा गांव में इस वक्त हम खड़े हैं। यहां पर विगत 3 जून को एक मोहित राजेंद्र कोरे की मृत्यु हुई है। अब वो मृत्यु हत्या या आत्महत्या, क्योंकि मोहित का मृतदेह एक पेड़ को लटका हुआ मिला है, गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की गई ये चर्चा है। इसकी वास्तविकता देखने के लिए और जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जिस रास्ते पर हम खड़े हैं लोहारा से पात्री जाने वाला रास्ता है। हमने परिवार के, मतलब मोहित के माता पिता से बात की, उनके साथ चर्चा की और घटना की विस्तृत जानकारी हमने लेने की कोशिश की। घटनास्थल पर हम लोग आए और घटनास्थल पर हमने देखे और घटनास्थल पर देखने के बाद में वाकई में मोहित ने हत्या की थी या फिर आत्महत्या की थी, इसके ऊपर सवाल या निशान खड़ा हुआ है। प्रकरण पुलिस के दफ्तर में लटका हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। बालांदूर पुलिस स्टेशन में जांच का सिलसिला चालू है। जांच के बाद में इस घटनाक्रम के ऊपर का पर्दा हट जाएगा। मैं मोहित के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आने वाले 15 अगस्त को मोहित 21 साल का होने वाला है। बीएससी सेकंड ईयर पढ़ चुका है। आगे की पढ़ाई छोड़कर उस हैदराबाद में नौकरी करने हेतु गया था। मेट्रो कंपनी, हैदराबाद की मेट्रो कंपनी में वो नौकरी करने लगा। आप सबको पता है कि पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन की मार मोहित को भी पड़ी। लॉकडाउन के दरमियान ही हैदराबाद से मोहित अपने गांव लोहारा पहुंचे। यहां पर पहुंचने के बाद में 14 दिन वो क्वारंटाइन रहा और क्वारंटाइन 14 दिन रहने के बाद में सिर्फ 4 दिन पहले अपने घर में पहुंचा था। यहां पता चला है कि गांव के ही एक लड़के के साथ में प्रेम संबंध थे, लेकिन केवल प्रेम संबंध नहीं थे, हमने परिवार के साथ में चर्चा करने के बाद में माता पिता की भी संबंध थी, क्योंकि कम उम्र की लड़की थी, इसकी वजह से जब वो पूरी उम्र में आने के बाद में 18 साल के होने के बाद में उसकी हम शादी भी करवा कर देंगे, इस विचार से भी प्रेरित माता पिता थे। परिवार के लोगों ने जब पहले दिन, मतलब 3 जून को लड़का घर में नहीं आने आया, तो पूरी एरिया में तलाश किया, अगल बगल में तलाश की और तलाश करने के बाद में लड़का उनके हाथ में नहीं लगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह 9:30 के बीच उनकी बॉडी एक पेड़ पर लटकी हुई थी। उनके मामा का कहना है कि जब पहले दिन हमने देखे तो गाड़ी वहां पर खड़ी नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन उसी एरिया में लड़की की गाड़ी भी, मतलब मोटरसाइकिल भी उनको दिखी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोहित क्या आत्महत्या कर सकता है या फिर उसकी हत्या है। क्या बालांदूर पुलिस इसकी सही से जांच करेंगे? क्या इस हत्या के पीछे, आत्महत्या के पीछे का राज क्या है? क्या पुलिस इसको ढूंढकर मोहित के माता पिता को या मोहित के परिवार को न्याय दिला पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मामला पुलिस के पास में है, आगे देखेंगे कि पुलिस इसके ऊपर क्या जांच करती है और क्या वाकई में मृतक के परिवार को न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात है। निषाद लांजेवार, आकाश न्यूज़।